देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के साथ ही आगरा में भी प्रदूषण से हालात बेकाबू हो रहे हैं। ऐसे में प्रेम के प्रतीक ताजमहल पर भी धुंध की चादर चढ़ी दिख रही है। दरअसल इन दिनों धुंध ने इस पर प्रदूषण की ऐसी चादर तानी है कि किले से ताजमहल ठीक से नजर नहीं आ रहा। सफेद संगमरमर से बने ताजमहल की चमक ऐसी है कि 3 किलोमीटर दूरी से भी ताज स्पष्ट नजर आ जाता है। लेकिन दिवाली से पहले ही प्रदूषण के खतरनाक स्तर से ताज के चारों तरफ धुंध ही धुंध पसरी है। ऐसे में चंद दूरी से भी ताज का दीदार करना मुश्किल हो गया है। यहाँ की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। आगरा फोर्ट से सैलानी बड़ी आसानी से विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताज का दीदार करते थे, लेकिन धुंध ने उन्हें निराश कर दिया है। वहीं आसपास रह रहे लोगों ने भी प्रदूषण और ताजमहल के ना दिखने पर नाराजगी जताई। सुबह पहले तो काफी अच्छा दिखता था, निखरता था ताजमहल, अब प्रदूषण के कारण काफी धुंधला दिख रहा है। इस समय ये 2-4-6 दिन से हुआ है, बाकी का पहले सही दिखता था बिल्कुल। अब साफ नहीं दिख रहा जी, अब बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा, इतना प्रदूषण है वो साफ देख सकते हैं आप। देखिए पॉल्यूशन तो काफ़ी बढ़ा हुआ है, अभी हम कुछ दिनों से आ रहे हैं लेकिन करीब करीब मान लो एक हफ्ते से ताजमहल बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा। बहुत प्रदूषण हो गया गाड़ियों की वजह से, और बड़े वाहन भी हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही ताजमहल को देखने में। सुबह सुबह के टाइम पर तो काफ़ी प्रदूषण रहता है, बिल्कुल धुंधला दिखा देता ताजमहल। बता दें कि ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है, जो यमुना नदी के तट पर भव्य रूप से खड़ा है। ये एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण के रूप में कई राज्य के अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों को अक्सर सफेद संगमरमर के मकबरे की सुंदरता का अनुभव कराने के लिए ताजमहल ले जाया जाता है।